भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल सूट पहने लड़की ने राहुल गांधी को चूम लिया, फिर जो हुआ आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपको पता चले कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और आज उनका 10वां दिन है यात्रा का। लेकिन इसी बीच एक लाल सूट पहने लड़की इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हम आपको पता चले कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाले हैं, वो भी पूरे 150 दिनों में। कुल 3500 किलोमीटर राहुल गांधी अपने सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों के साथ कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन इसी बीच लाल सूट पहने लड़की ने राहुल गांधी को अचानक से उनके पास पहुंची और उन्हें गले से लगा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है। बताया चले कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी इन दिनों संघर्ष करते हुए नजर आ रहे, इससे तो साफ है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए देखिए इस पूरे वीडियो को, आखिर लड़की ने कैसे राहुल गांधी को चूमा है। We all hope that one day you'll become the Prime Minister of our country. I love him so much, really I love him. All my family members love him so much. One of my friends told to take admission in Delhi University for PhD, so they can meet Rahul Gandhi, because political leaders will give their speeches only in higher education institutions. For that, I even thought of doing it. I got a chance to meet him now, and he smiled at me, so I'm so happy. No words to describe. Take care.